मुरादाबाद थाना सिविल लाइन अंतर्गत चौकी हड़तला के द्वारा पीड़ितों का उत्पीड़न किए जाने के संबंध में सामाजिक न्याय समिति के बैनर तले मंडल प्रभारी रविंद्र कुमार राघव के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए शिकायती पत्र सौंपा है। ज्ञापन में कहा गया कि भटावली क्षेत्र में एक भूमाफिया द्वारा 4 बीघा जमीन पर अवैध रूप से अपना कब्जा होने के बाद कह रहा है, पीड़ित नारायण देई का आरोप है कि ग्राम भटावली मुस्तकिम में उसकी 4 बीघा भूमि है जिससे वे अपने परिवार की गुजर बसर के लिए खेतीबाड़ी करती है, लेकिन पीड़िता का आरोप है कि उक्त जमीन पर राजकमल गुप्ता नाम के एक भूमाफिया द्वारा अपना कब्जा कायम कर लिया गया है जिस कारण खेत पर काम करने का वह विरोध करता है। इस बात की शिकायत संबंधित थाने में भी की गई लेकिन पुलिस द्वारा कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई। पीड़िता शख्स ने भूमाफिया राजकमल गुप्ता पर आरोप लगाते हुए जिलाधिकारी के यहाँ शिकायती पत्र पेश किया है जिसमें आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की गई है। क्या शिकायत है आपकी? मेरी शिकायत ये और सर मेरी बाजरे की खेती काट ली और मेरी जमीन को कब्जा कर दिया। मेरी दादा लाल जमीन है उसको कब्जा कर दिया और बदमाशों से डराता है मुझे। किसने किया है कब्जा? डॉक्टर राजकमल गुप्ता। और मेरे वाल को मेरे घर में पुलिस को आता है और डंडे बजाती है पुलिस, मेरे घर में घुस जाती है, छतों पर चढ़ जाती है पुलिस। मेरी कोई सुनवाई नहीं कर रही पुलिस कतई भी। नहीं, आपके साथ जो हुआ आपने उसकी कोई रिपोर्ट दर्ज कराई थी? कराई ही, हाँ वो भी कराई हमने। कोई कार्रवाई हुई? कार्रवाई कुछ नहीं सुनी हमारी। आज आज आप किससे मिले? डीएम साहब से मिले, बोल दो ना। डीएम साहब से मिले आज हम। क्या मांग की आपने? मैं अपनी जमीन मांगती हूँ सर, मैं कुछ नहीं मांगती, मैं अपनी जमीन मांगती हूँ। उसका न्याय चाहिए, उसका जो हमारे संग में बदतमीजी करी है, मेरी बहू के संग में छेड़छाड़ करी है, उसका मुझे न्याय चाहिए बिल्कुल। समस्या ये है, ये भटावली के रहने वाली है महिला, उनका नाम है नारायण देई, उनकी प्रॉपर्टी को लेकर के राजकमल गुप्ता कोई प्रॉपर्टी डीलर है जो उस पर अवैध कब्जा करे हुए हैं। ये लगातार उन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ भी अपना प्रार्थना पत्र डाला था और यहाँ थाना सिविल लाइन में एफआईआर दर्ज कराई थी लेकिन इन्हें जो है न्याय नहीं मिल पा रहा। राजकमल गुप्ता क्योंकि इंचार्ज जितेंद्र सिंह राणा जी से मिल करके और उनको रकम दे देता, मोटी रकम दे रखी है उसको। यहाँ थाना सिविल लाइन से इनकी जांच आई थी, सी ओ साहब के यहाँ भी जांच हुई थी, इनके बयान हुए, लेकिन जब ये थाने या सी ओ साहब के जाते हैं तो लोग बाग यही कह देते हैं तुम्हारे सब प्रार्थना पत्र झूठे हैं, इन्हें कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा और वो मोटी रकम पुलिस को दे करके पुलिस को गुमराह कर रहा है और इनको भी गुमराह कर रहे हैं। आज आपने किसको प्रार्थना पत्र दिया? हमने श्रीमान जिलाधिकारी जी को ये ज्ञापन दिया है और जिलाधिकारी जी ने हमसे ये कहा है कि आपको पूर्ण न्याय मिलेगा, आप चिंता ना करें।